हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कास्टिंग प्रोसेस में टाइप्स ऑफ मोल्ड कैविटी को जो हम लोग बनाते हैं, उस मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए जो पैटर्न का यूज करते हैं उनके टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 44 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपने उस पैटर्न से बने हुए जो मोल्ड कैविटी है, उस मोल्ड कैविटी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग कास्टिंग में कुछ इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, सपोज करिए इस तरीके का हम एक क्या लेते हैं, कोप और ड्रैग लेते हैं। अब इसमें जब हम लोग अपना एक पैटर्न रखते हैं, इस तरीके से एक पैटर्न रखते हैं, देन इसके चारों तरफ ऐसे हम लोग जब सैंड की रैमरिंग कर दें, जब हम इसके चारों तरफ सैंड भर देंगे, देन आफ्टर पैटर्न को हम रिमूव कर लें, मतलब जब सैंड की अच्छे से रैमरिंग कर देंगे तो इस पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद सपोज करिए ये पैटर्न बाहर निकल गया। अब पैटर्न बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक इस तरीके का सैंड में ही कैविटी क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके का सैंड में कैविटी क्रिएट हो जाएगा। इस कैविटी को मोल्ड कैविटी कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी मतलब जिसमें हम मोल्टन मेटल को पोर करेंगे और कास्टिंग करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो मोल्ड कैविटी बना है इसके चारों तरफ हम लोगों ने क्या यूज किया है, सैंड यूज किया है। सैंड मतलब इसी को हम लोग पूरा मोल्ड बोलते हैं, मोल्ड मतलब सांचा होता है ना। तो ये जो हमारा बनता है इसको हम लोग, ये जो पूरा सैंड का बना हुआ है इसी को हम लोग मोल्ड या माउल्ड कुछ लोग बोलते हैं, माउल्ड या मोल्ड मतलब सांचा बोलते हैं। तो ये जो मोल्ड हम लोग बनाते हैं ये बाय यूजिंग ऑफ सैंड बनाते हैं। और कितने मेथड से बनाते हैं, तो हम इसे हैंड रैमरिंग करके बना सकते हैं, मशीन रैमरिंग करके बना सकते हैं। अब उसके बाद जब मोल्टन मेटल इसके अंदर हम लोग फिल करेंगे, सपोज करिए, तब यहाँ पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, जब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली है इस मोल्ड को तोड़कर बाहर निकालना होगा। तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड, या तो इस मोल्ड को हम लोग तोड़कर अलग कर दें और उसके बाद अपने पैटर्न यानी मटेरियल को बाहर निकाल लें। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हो सकता है इस पैटर्न को हम तोड़े ही ना और इसे वैसे ही बना रहने दें और आसानी से वर्क पीस को बाहर निकाल लें। तो दोनों केस में, जब पहले केस में इस मोल्ड को, सांचे को तोड़कर वर्क पीस को निकालते हैं, तो वो सांचा केवल एक ही बार कास्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। दूसरे केस में अगर उस सांचे को हम बिना तोड़े वर्क पीस को बाहर निकाल लें, चूँकि सांचा पहले से बना ही है, फिर उस सांचे को यहाँ पे ले आएंगे, मोल्ड को रखेंगे, मोल्टन मेटल को हम पोर करेंगे और सिमिलर फिर वही प्रोसेस मटेरियल को बाहर निकालेंगे। मतलब इस मोल्टन मेटल को बार बार एक ही मोल्ड में प्रोड्यूस करेंगे,
मतलब एक से अधिक कास्टिंग एक मोल्ड में बनाएंगे, तो ऐसे मोल्ड को परमानेंट मोल्ड कहते हैं। ये जो मोल्ड हमारा बनेगा इसे परमानेंट मोल्ड कहेंगे, और जब मोल्ड हमारा टूट जाएगा तो उसे हम टेम्पोरेरी मोल्ड कहते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग इसी मोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, देन उससे उसको बनाने की टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको बनाने के लिए यूज होने वाली मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको बनाने के लिए यूज होने वाले छोटे छोटे कास्टिंग टूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा मोल्ड क्या होता है। मोल्ड हमारा क्या होता है, तो मोल्ड हमारा क्या है, एक सिंपल सा सैंड के द्वारा या मेटल के द्वारा बनाया गया कैविटी होता है जिसमें मोल्टेन मेटल पोर किया जाता है। या तो इसे हम सैंड का बना सकते हैं जो टेम्परेरी होगा, बार बार टूट जाएगा, या इसे हम मेटल का बना देंगे जो कई बार यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से मोल्ड इज ए कास्टिंग कैविटी, मोल्ड इज मेड बाय सैंड, और या तो सैंड का बनाएंगे या मेटल का बनाएंगे, सैंड और मेटल टू प्रोड्यूस एक कैविटी प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस ए कैविटी, टू प्रोड्यूस ए कैविटी विच यूज इन विच मोल्टेन मेटल आर पोर्ड, इन विच मोल्टेन मेटल आर पोर्ड। तो इस तरीके से मोल्ड हमारा ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं मोल्ड। फिर जब मोल्टेन मेटल को रिमूव करेंगे, वेन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, रिमूव द वर्क पीस, रिमूव द वर्क पीस बाय डिस्ट्रॉइंग द मोल्ड, या तो मोल्ड को तोड़कर निकालेंगे, बाय डिस्ट्रॉइंग द मोल्ड, और विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मोल्ड, और विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मोल्ड। तो इस तरीके से इसे हम मोल्ड कहते हैं। अब इसके देखिए हम लोग प्रकार के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ मोल्ड इन कास्टिंग। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मोल्ड इन कास्टिंग। कास्टिंग में जो मोल्ड हम लोग यूज करते हैं वो कितने प्रकार का यूज करते हैं, तो इन कास्टिंग प्रोसेस टू टाइप्स आर मोल्ड यूज्ड। इन कास्टिंग प्रोसेस टू टाइप्स मोल्ड आर यूज्ड। फर्स्ट हमारा होता है
देखिए, जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोरेरी मोल्ड, फर्स्ट हमारा होता है टेम्पोरेरी मोल्ड। और दूसरा हमारा होता है परमानेंट मोल्ड। अच्छा, इन मोल्ड के माध्यम से हम कास्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं टेम्पोरेरी मोल्ड कास्टिंग। और यहाँ पर हम लोग परमानेंट मोल्ड से कास्टिंग कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। अब टेम्परेरी मोल्ड में हमारा क्या होगा, मोल्ड आर यूज्ड ओनली वन टाइम इन कास्टिंग। मोल्ड आर यूज्ड, यहाँ पे होगा मोल्ड आर यूज्ड ओनली वन टाइम इन कास्टिंग। अब इसीलिए इसे हम लोग एक्सपेंडेबल मोल्ड के नाम से जानते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। ये हमारा हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग परमानेंट मोल्ड के बारे में। परमानेंट मोल्ड आर यूज मल्टीपल टाइम इन कास्टिंग ऑपरेशन। तो हम लोग कह सकते हैं परमानेंट मोल्ड आर यूज्ड, देखिए परमानेंट मोल्ड आर यूज्ड इन मल्टीपल कास्टिंग। एक से अधिक कास्टिंग बनाने में हम परमानेंट मोल्ड का उपयोग करते हैं। अब जैसे जो हमारा टेम्परेरी मोल्ड होता है वो किसका बनाया जाएगा, या तो सैंड का बनाया जाएगा, सिंपल सा सैंड का ही बनाया जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सैंड आर यूज्ड फॉर दिस मोल्ड। अब बात कर रहे हैं परमानेंट मोल्ड में, तो मेटैलिक मोल्ड आर यूज्ड इन दिस कास्टिंग। मेटैलिक मोल्ड आर यूज्ड इन दिस कास्टिंग। तो इस तरीके से हमारा ये तैयार होगा टेम्परेरी मोल्ड और ये तैयार होगा परमानेंट मोल्ड। अच्छा, सपोज करिए कि हमने वर्क पीस को यहाँ पर रख दिया। अब इसमें जो हम सैंड को भर कर इस मोल्ड को तैयार करेंगे, उसे तैयार करने की भी दो विधियाँ होती हैं, है ना। टू मेथड्स आर यूज्ड बाय प्रिपेयरिंग द मोल्ड। फर्स्ट होगा जब बाय हैंड हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर वर्कशॉप में जाते थे तो सबसे पहले इसी की प्रैक्टिस कराई जाती थी। एक बालू दे दिया जाता था और उसे रिडिल द्वारा छान कर हम क्या करते थे, पोप और ड्रैग में रैमरिंग एक्शन करके मोल्ड तैयार करते थे।
तो फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप का ऑपरेशन हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारा होता था, जब बाय हैंड हम उसको तैयार करते हैं तो उसे बोलते हैं हैंड मोल्डिंग। दूसरा जब हम करते हैं हैंड की जगह अब मशीन का हम लोग यूज कर लें, तो वहाँ पर इस मोल्ड को तैयार करने के लिए मशीन का उपयोग करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे मशीन मोल्डिंग। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोल्डिंग। तो यहाँ पे इसे रिमूव करते हैं या इसे भी पड़ा रहने दीजिए, ये आगे काम देगा समझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हम लोग यहाँ पे डालेंगे टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे, फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मोल्ड विच ऑपरेशन आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन। तो इसको लिख लेते हैं, विच ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मोल्ड प्रिपेयरिंग ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड मोल्डिंग ऑपरेशन। ये बहुत ज़रूरी है, आता है एग्जाम में मोल्डिंग ऑपरेशन। अब इसके जो टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स, तो इसके हम लोगों ने टाइप्स दो कैटेगरी से आपको डिफाइन किया। पहला, जब वो मोल्ड बाय हैंड तैयार होगा तो उसे बोलेंगे हैंड मोल्डिंग ऑपरेशन। जब इस सांचे को, मतलब बालू को, हैंड से इसमें भरेंगे, रैमरिंग करेंगे और सांचा तैयार करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा हैंड मोल्डिंग ऑपरेशन। हैंड मोल्डिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब इस सांचे को तैयार करने के लिए मशीन का उपयोग करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा मशीन मोल्डिंग ऑपरेशन। अब देखिए, हैंड मोल्डिंग ऑपरेशन को हम लोग हाथ से केवल एक टाइप से बनाते हैं। अब हाथ से बनाने का थोड़े कोई अलग अलग टाइप होगा, हम हाथ से तो बस रैमर लेंगे, कुटाई करेंगे ढंग से, जितनी अच्छी कुटाई करेंगे उतना अच्छा मोल्ड बनेगा, है ना। तो ये हमारा होगा हैंड मोल्डिंग ऑपरेशन। लेकिन मशीन से हम लोग अलग अलग टाइप की मशीन का उपयोग करते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि मशीन मोल्डिंग में कौन सी मशीन का उपयोग किस टाइप के मोल्ड को बनाने के लिए किया जाता है। आइए मशीन मोल्डिंग के टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली मशीन हमारी होती है जोल्ट मशीन, जिसे हम लोग बोलते हैं जोल्ट मशीन, JOLT, जोल्ट मशीन। सेकेंड मशीन जब हम लोग इसमें यूज करते हैं मोल्ड को बनाने के लिए, तो वो हमारी होती है स्क्वीजी मशीन। स्क्वीजिंग मशीन। थर्ड मशीन जब हम लोग इसमें यूज करते हैं तो उसमें
जोल्ट और स्क्वीजी दोनों मशीन को मिक्स करके यूज करते हैं, मतलब जोल्ट और स्क्वीजी दोनों मशीन को यूज करते हैं तो वो कहलाएगा जोल्ट स्क्वीजिंग मशीन। फोर्थ मशीन जो हम लोग यूज करेंगे वो कहलाएगा डायफ्राम मशीन, डायफ्राम मोल्डिंग मशीन। डायफ्राम मोल्डिंग मशीन। डायफ्राम मोल्डिंग मशीन के बाद नेक्स्ट मशीन जो हम लोग यूज करेंगे वो होगी स्ट्रिपर प्लेट मोल्डिंग मशीन। तो इसको हम लोग यहाँ से ले आकर इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिपर प्लेट मोल्डिंग मशीन। स्ट्रिपर प्लेट मोल्डिंग मशीन। स्ट्रिपर प्लेट के बाद हम लोग नेक्स्ट मशीन जो यूज करेंगे वो हमारी होगी जैसे सैंड स्लिंगर मशीन। सैंड स्लिंगर मशीन, आप इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे तभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इतनी मशीन का उपयोग करते हैं इस मोल्ड को तैयार करने के लिए या इस सांचे को तैयार करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। हैंड मोल्डिंग तो आपको पता है कि बाय हैंड यूज करते हैं। दूसरी बात, अब हम लोग बात करेंगे जोल्ट मशीन, स्क्वीजी मशीन, जोल्ट स्क्वीजी मशीन, डायफ्राम मोल्डिंग मशीन, स्ट्रिपर प्लेट मोल्डिंग मशीन और स्लैंड स्लिंगर मोल्डिंग मशीन। तो इसमें देखिए जोल्ट मशीन का उपयोग कैसे करते हैं, आइए इसे रिमूव करते हैं और यहीं पे हम लोग बनाते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें से पहली मशीन हम लोग जोल्ट मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देन नेक्स्ट आपका स्क्वीजी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारी होगी जोल्ट मशीन। इसमें क्या होगा, सपोज करिए एक बॉक्स ले लीजिए, इसमें जब आप मान लीजिए सैंड को ऐसे भरेंगे, सैंड को भरेंगे तो अब वो क्या होगा, ये सैंड ऊंचाई तक भरा रहेगा। आप जैसे हम कहते हैं किसी डब्बे में हम लोग कभी कभी आटे को या नमक को जब डालते हैं या कुछ भी एलिमेंट को जैसे दाल चावल आटा नमक कुछ भी जब डब्बे में डालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब ये डब्बा भर जाता है तो हम करते हैं इस डब्बे को उठाकर ऐसे हल्का हल्का वाइब्रेशन मतलब पटकते हैं फर्श पर, फर्श पर पटकते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा खाली हो जाता है, मतलब इसके बीच के जो मॉलिक्यूलर गैप थे पटकने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली एडजस्ट हो जाते हैं और जब एडजस्ट हो जाएंगे तो वो आसानी से क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और वो अच्छे से बैठ जाएंगे।
तो इसी ऑपरेशन को हम लोग जोल्ट ऑपरेशन कहते हैं ना। तो जब हम लोग किसको अपने मोल्डिंग बॉक्स को वाइब्रेटिंग एक्शन के तहत इस तरीके से वाइब्रेशन एक्शन से हम लोग फिट करते हैं तो उसे बोलते हैं जोल्ट मशीन ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन दिस ऑपरेशन, इन दिस ऑपरेशन है ना, मोल्डिंग बॉक्स आर वाइब्रेट विथ मशीन, मोल्डिंग बॉक्स आर वाइब्रेट विथ मशीन। अब ये हमारा हो गया। देन आफ्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंड आर कॉम्पैक्ट, मतलब वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और प्रॉपर फिट हो जाएंगे। देन द मॉलिक्यूल ऑफ सैंड आर प्रॉपर फिटेड एंड मिनिमाइज दी गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, के बीच के गैप को मिनिमाइज करेगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स सैंड पार्टिकल्स ऐसे कह सकते हैं, बिटवीन सैंड पार्टिकल्स। ये हमारा हो गया। अब ऐसा ऑपरेशन करने से देखिए, ये जो हमारा वर्कपीस है, इस वर्कपीस के पास की ये जो सैंड होती है इसे नियर द मोल्डिंग मोल्ड कैविटी कहेंगे। ये जो सैंड हमारी होगी, ये सारी सैंड इस मोल्ड कैविटी के नियर होगी, और ये सारी जो सैंड होगी, ये सारी सैंड बियॉन्ड द मोल्ड कैविटी होगी, बियॉन्ड द मोल्ड कैविटी होगी। जब हम जोल्ट ऑपरेशन करेंगे तो जो मोल्ड कैविटी के पास की सैंड होगी इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और जब हम इसके बियॉन्ड जाएंगे मोल्ड कैविटी से मोल्डिंग बॉक्स की तरफ जाएंगे तो इसकी हार्डनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इसकी कमी है, एक प्रकार की ये कमी है। हमें हर जगह पे यूनिफॉर्म हार्डनेस चाहिए होता था, तो यहाँ पर मोल्ड कैविटी के पास की सैंड हार्डर होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दिस सैंड विच इज नियर द मोल्ड कैविटी इज हार्डर एंड द सैंड अवे द मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी से बाहर की ओर, द सैंड अवे फ्रॉम मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी आर सॉफ्टर सॉफ्टर। तो ऐसे मशीन को हम बोलेंगे जोल्ट स्क्वीजी मशीन, ये हमारी कहलाएगी। सो दिस टाइप ऑफ मशीन आर कॉल्ड जोल्ट मशीन। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद सेकेंड मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड मशीन हमारी कौन सी है, स्क्वीजिंग मशीन। सेकेंड हमारी हो जाएगी
स्क्वीजिंग मशीन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक टूल होगा, स्पून टाइप का एक टूल होगा, स्पून मतलब चम्मच टाइप का, और वो टूल से हम मशीन द्वारा यहाँ पर क्या करेंगे, ले आकर ऐसे इसकी रैमरिंग करेंगे, तो जिससे सैंड यहाँ पे एक मोल्ड को तैयार कर लेगा। अब इस मशीन द्वारा ये जो मोल्ड हमारा तैयार होगा, उस पर इस मोल्ड कैविटी के पास की जो सैंड होगी उसकी हार्डनेस कम होगी, और मोल्ड कैविटी से अवे मोल्डिंग बॉक्स के पास वाली जो सैंड होगी उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो ऐसी ही सैंड का उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं अपनी कास्टिंग के लिए, क्योंकि जब मोल्ड कैविटी के पास की सैंड सॉफ्टर होगी तो आसानी से यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस रहेगा, इस वर्कपीस को निकालने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मोल्डिंग मशीन होगी स्क्वीजिंग मशीन। तो दिस मशीन इज यूज्ड, देखें ऐसे कह दीजिए कि इन स्क्वीजिंग मशीन ए स्पून टाइप ऑफ टूल आर यूज्ड। स्पून का मतलब इस तरीके का हमारा टूल होगा, जैसे ऐसा टूल हमारा बनेगा। आप इस टूल के माध्यम से यहाँ पर जब आप देखेंगे इस तरीके का होगा, तो इस टूल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मशीन ऑपरेटेड होगा और सैंड की रैमरिंग करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ मशीन, इन स्क्वीजिंग मशीन स्पून टाइप ऑफ टूल आर यूज फॉर रैमरिंग द मोल्ड रैमरिंग द मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड को रैमरिंग करेगा, और इस ऑपरेशन में मोल्ड कैविटी के पास की सैंड सॉफ्टर होगी और मोल्डिंग बॉक्स के पास की सैंड हार्डर होगी। इन दिस ऑपरेशन सैंड विच इज नियर द मोल्ड कैविटी, सैंड विच इज नियर द मोल्ड कैविटी आर सॉफ्टर एंड द सैंड विच इज नियर द मोल्डिंग बॉक्स, ये हमारा बॉक्स होगा, इस बॉक्स के पास की जो सैंड होगी, नियर द मोल्डिंग बॉक्स आर हार्डर अच्छा ये भी हम देखते हैं कि ऐसी जब होगी तो वर्कपीस को रिमूव करने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी सॉफ्टर होगी और ये हमारा जो मोल्ड बना है ये टूटेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हार्डर बना हुआ है, किसके पास, इस बॉक्स के पास हार्डर बना है। तो इस तरीके से बॉक्स से मोल्ड की तरफ जाने पर इसकी हार्डनेस क्या होगी, घटेगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अगर हम कंपेरिजन करें, जब ये जोल्ट मशीन था तो यहाँ पर मोल्ड कैविटी के पास हार्डनेस ज़्यादा होगी और बॉक्स की तरफ हार्डनेस कम होगी, और इसी का विपरीत होगा जब स्क्वीजी मशीन यूज करेंगे तो बॉक्स की तरफ हार्डनेस ज़्यादा होगी और मोल्ड की तरफ कम होगी।
सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग करेंगे, इस क्विजी मशीन का। तो यहाँ पर इसके लिए भी लिख लेते हैं, हार्डनेस इज डिक्रीज डिक्रीज, हार्डनेस हमारी घटेगी कहाँ से, मोल्ड कैविटी से मोल्डिंग बॉक्स की तरफ, मोल्ड कैविटी टू डिक्रीज फ्रॉम मोल्ड कैविटी फ्रॉम कैविटी टू मोल्डिंग बॉक्स। यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि स्क्वीजी मशीन का उपयोग कब करेंगे, चार ऑप्शन ऐसे ही मिलते जुलते दे देंगे, है ना। अब इसमें देखिए, जो हमारा स्क्वीजी मशीन था इसमें क्या होगा, हार्डनेस अगर मोल्ड कैविटी से बॉक्स की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, हार्डनेस आर इंक्रीज टू फ्रॉम मोल्ड कैविटी टू मोल्डिंग बॉक्स, फ्रॉम मोल्ड कैविटी टू मोल्डिंग बॉक्स, ये हमारा होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मशीन डिस्कस करेंगे, जोल्ट स्क्वीजी मशीन। अच्छा यहाँ पे देखिए, जोल्ट मशीन का भी यूज कर रहे हैं, स्क्वीजी का भी यूज कर रहे हैं। पहले इसमें एक लाइन ये भी लिख लेते हैं कि ये मशीन सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं, दिस मशीन इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड कैविटी। तो ये लाइन भी लिख लेते हैं, दिस मशीन इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग क्या हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं आपका मोल्ड, मेकिंग मोल्ड कैविटी, ये हमारा होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जोल्ट प्लस स्क्वीजी मशीन। इसमें क्या होगा, जोल्ट मशीन का भी उपयोग करेंगे, स्क्वीजी मशीन का भी उपयोग करेंगे, ऐसी टेक्निक जिसमें दोनों मशीनों को एक साथ उपयोग करें, मतलब वाइब्रेट भी कराएंगे और स्पून टाइप के टूल से रैमरिंग भी कराएंगे। तो देखें, वाइब्रेट कराने से यहाँ पर जो मोल्ड कैविटी के पास की सैंड है वो हार्ड होगी, और रैमरिंग कराने पर जो मोल्डिंग बॉक्स के पास की सैंड है वो हार्ड होगी। मतलब जब दोनों का उपयोग करेंगे तो जो सैंड की हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह यूनिफॉर्म होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्म होगी, चारों डायरेक्शन में मोल्डिंग सैंड की हार्डनेस यूनिफॉर्म होगी। तो इसीलिए नेक्स्ट मशीन हम लोग यूज करते हैं, चलिए इसे रिमूव करते हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे रिमूव करके अगली मशीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए यहीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट मशीन, जोल्ट स्क्वीजी मशीन।
चलिए नेक्स्ट मशीन डिस्कस करेंगे, जोल्ट स्क्वीजी स्क्वीजिंग मशीन। अब इसमें केवल एक लाइन यही हम लोग आंसर देंगे कि दिस मशीन इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म हार्डनेस इन मोल्ड। मोल्ड में यूनिफॉर्म हार्डनेस एवरी डायरेक्शन में प्रोवाइड करने के लिए जोल्ट स्क्वीजी मशीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, दिस मशीन इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म हार्डनेस ऑफ हार्डनेस ऑफ सैंड इन मोल्ड इन ऑल डायरेक्शन ऑफ मोल्ड। मोल्ड में सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हार्डनेस अचीव करने के लिए हम लोग जोल्ट स्क्वीजी मशीन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट मशीन हमारी देखिए डिस्कस करेंगे, डायफ्राम मशीन। अब डायफ्राम मशीन का उपयोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि देखिए डायफ्राम मशीन का उपयोग कैसे होगा। मान लीजिए जब हम सैंड की रैमरिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे रैमरिंग करेंगे तो ये कंप्रेस होकर बैठ जाएगा। तो जब रैमरिंग यहाँ पे होगी ये कंप्रेस होगा, यहाँ की रैमरिंग तो कर नहीं रहे हैं, ये इसके फोर्स से कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर कम हार्डनेस मिलेगी, यहाँ पर भी कम मिलेगी और यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज ऑफ रैमरिंग करने से यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से हर डायरेक्शन में हम रैमरिंग नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी मशीन हमारे पास आती है डायफ्राम मोल्ड मशीन, उसका उपयोग करके हम लोग एवरी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सैंड की रैमरिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं। मतलब इधर भी रैमरिंग करेंगे, इधर भी और इधर भी, वो चारों तरफ उसे कॉम्पैक्ट कर देगा। तो ऐसी मशीन जो हमारी सैंड की यूनिफॉर्म रैमरिंग के लिए उपयोग की जाती है उसे हम लोग डायफ्राम मोल्डिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मशीन हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ मशीन डायफ्राम मोल्डिंग मशीन। डायफ्राम मोल्डिंग मशीन, दिस मशीन इज यूज फॉर, देखिए यहाँ पे दिस मशीन इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म रैमरिंग, यूनिफॉर्म रैमरिंग। अच्छा एक बात और, अगर चारों तरफ हम यूनिफॉर्म रैमरिंग करेंगे तो जो सैंड की हार्डनेस होगी वो चारों तरफ यूनिफॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म रैमरिंग एंड यूनिफॉर्म हार्डनेस ऑफ सैंड। तो इस तरीके से हम डायफ्राम मोल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं। अगली मशीन हमारी देखिए स्ट्रिपर प्लेट मोल्डिंग मशीन। तो स्ट्रिपर प्लेट मोल्डिंग मशीन का उपयोग हम लोग
पैटर्न को मोल्ड मशीन से, जैसे देखिए ये हमारा पैटर्न पहले रख दिया गया, ठीक। अब हमने सारी मशीनों से रैमरिंग कर दी, अब पैटर्न को भी तो बाहर निकालना है। हम हाथ से भी पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं, और जब ज़्यादा हैवी पैटर्न हो, ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से इसमें बंद किया गया हो, तो अब चार छः लोग पकड़ के तो खींचेंगे नहीं ना, तो उस समय हम क्या करेंगे, मशीन का उपयोग करेंगे जिसमें प्लेटें लगी होंगी, और वो प्लेट ऐसे जाएंगी, इसको कॉम्पैक्ट करेंगी और इसे बाहर रिमूव कर लेंगी। बहुत पतली पतली, बहुत पतली प्लेट इस पर इंटर की, इसे कॉम्पैक्ट करेगी और रिमूव कर लेगी। तो इस तरीके से इस पैटर्न को मोल्ड से रिमूव करने के लिए स्ट्रिपर प्लेट मशीन का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, स्ट्रिपर प्लेट मोल्डिंग मशीन। ये हो गया हमारा, इसका उपयोग क्या करते हैं, देखें, टू रिमूव द पैटर्न फ्रॉम, देखें ऐसे देखें, दिस मशीन इज यूज्ड फॉर रिमूव द पैटर्न, फ्रॉम मोल्ड, मोल्ड से बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम मोल्ड। तो इस तरीके से इस मशीन का उपयोग हम लोग करते हैं। अब लास्ट मशीन देखिए, सैंड स्लिंगर मशीन। सैंड स्लिंगर का मतलब, अच्छा इस सैंड को हमें पैक भी करना होता था, कहीं पर कम सैंड जाएगी, कहीं पे ज़्यादा जाएगी, अगर हमें इस कमी को अवॉइड करना हो, मतलब इस सैंड को यूनिफॉर्म पैकिंग देना हो, बराबर सभी दिशाओं में पैकिंग देना हो, तो उस समय सैंड स्लिंगर मशीन का उपयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मशीन के बारे में भी जान लेते हैं। मशीन नंबर 6 ये होगी सैंड स्लिंगर मशीन। देखिए, दिस मशीन इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म फिलिंग ऑफ सैंड या यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ सैंड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, दिस मशीन इज यूज फॉर, यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ सैंड। सैंड की यूनिफॉर्म पैकिंग के लिए इस मशीन का उपयोग, यानी कि सैंड स्लिंगर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन में यूज होने वाली मशीनों के बारे में पढ़ा। एक क्वेश्चन इन सब में से कभी कदार बन जाता है, पूछ लेता है कि स्ट्रिपर प्लेट मशीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। एक ये ऑप्शन बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो इस तरीके से उन चारों ऑप्शन में से आपको सर्च करना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोल्डिंग मशीन के बारे में। अब इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इस मोल्डिंग मशीन के बाद हम मोल्ड को जो रैम कर रहे हैं, जैसे हमारी पिट मोल्डिंग होती है, फ्लोर मोल्डिंग होती है, तो इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं कि जब छोटा मोल्ड बनाना हो तो किस ऑपरेशन का उपयोग करेंगे, लार्ज मोल्ड बनाना हो तो किस ऑपरेशन का उपयोग करेंगे,
मीडियम मोल्ड बनाना हो तो। तो चलिए इसे नोट करिए या प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे रिमूव किया जाए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोल्डिंग ऑपरेशन के बारे में। जैसे हमारी पिट मोल्डिंग, हालांकि ये भी टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन ही है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मशीन यूज हैं। अगर अकॉर्डिंग टू हैंड हम लोग करते हैं तो हमारा कैसे होगा, जैसे पिट मोल्डिंग क्या होता है और उसके साथ हमारा फ्लोर मोल्डिंग क्या होता है और बेंच मोल्डिंग क्या होता है, तो इस तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं। बेंच मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग और चलिए बी ब्लॉक मोल्डिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन देखें। यहां पर भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन पढ़ा था, लेकिन यहां पर ऑपरेशन हम अकॉर्डिंग टू मशीन पढ़ रहे थे। अब यहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू चाहे मोल्डिंग ऑपरेशन की बजाय मोल्डिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इस तरीके से जैसे हम लोग कौन कौन सा मोल्डिंग प्रोसेस उपयोग करते हैं, तो हम लोग बेंच मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग और फ्लोर मोल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, बेंच मोल्डिंग, नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं फ्लोर मोल्डिंग, और नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं पिट मोल्डिंग। आपसे इसमें ये पूछ लेगा कि पिट मोल्डिंग ऑपरेशन क्या है, यह किस साइज के मोल्डिंग मोल्ड को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो देखिए, जब बेंच मोल्डिंग होगा, आप ऐसा समझिएगा, इसे याद करने का जो हमारा ट्रिक होता है ये ऐसा होता है। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट में बी आता है, फिर उसके बाद अगर इन तीनों का नाम आपको याद रहेगा तभी, नहीं याद रहेगा तो ट्रिक नहीं आएगा। बेंच मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, तो पहले बेंच मोल्डिंग आएगा, फिर उसके बाद फ्लोर मोल्डिंग आएगा, फिर उसके बाद पिट मोल्डिंग आएगा। तो इस तरीके से अब देखिए अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा वो यूज किया जाएगा स्मॉल साइज। अभी हम क्या बना रहे हैं, मोल्ड बना रहे हैं, तो स्मॉल साइज मोल्ड के लिए यूज फॉर बेंच मोल्डिंग इज स्मॉल साइज। देखिए जो सबसे पहले आएगा उसे छोटा हम मान लेंगे, उसके बाद जो मिडिल में आएगा उसे मीडियम मान लेंगे, और जो सबसे बड़ा रहेगा लेटर, बड़े का मतलब भाई अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा इसका स्थान है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यूज फॉर मीडियम साइज, मोल्ड, और नेक्स्ट हमारा जो होगा पीट मोल्डिंग, ये हमारा होगा यूज्ड फॉर लार्ज साइज मोल्ड। तो अकॉर्डिंग टू साइज जब हम इस मोल्डिंग ऑपरेशन को पढ़ेंगे या मोल्डिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो ये बेंच मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, ये हमारे मोल्डिंग प्रोसेस कहलाते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मोल्डिंग सैंड का उपयोग करते हैं उस मोल्डिंग सैंड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे
इस पे हम जो सैंड भर रहे थे वो हमारी उस सैंड के बारे में भी अब स्टडी कर लेते हैं। अभी तक तो हमने पैटर्न के बारे में पढ़ा, इस पैटर्न के मटेरियल के बारे में पढ़ा, उसके बाद इस पैटर्न के शेप के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने इस मोल्डिंग बॉक्स के बारे में पढ़ा, बॉक्स नहीं मतलब ये जो मोल्ड हमारा बनेगा इस मोल्ड के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम इस मोल्ड को किससे बनाते हैं, या तो मेटल से बनाएंगे या सैंड से। मेटल से बनाएंगे वो मेटल हमारा एल्यूमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, लेकिन जब इसे हम लोग किसका बनाएंगे, सैंड का बनाएंगे, तो उस सैंड की प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोल्डिंग सैंड, हमारे जो मोल्ड में यूज की जाने वाली सैंड है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, मोल्डिंग सैंड, देखिए मोल्डिंग सैंड यानी कि सैंड इज यूज फॉर, देखिए सैंड इज यूज फॉर मेकिंग मोल्ड। सैंड का उपयोग इस मोल्ड को बनाने के लिए करते हैं। अब उस सैंड में हमारे क्या क्या चीज होते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट ऑफ सैंड इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट ऑफ सैंड, जब इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट की बात करेगा तो बेसिक जो हमारी सैंड होती है, सबसे बेसिक सैंड, अगर केवल बेसिक सैंड की बात करें, तो बेसिक सैंड में हमारे, देखिए हमारे होता है सिलिका होता है, प्लस क्ले होता है, क्ले मतलब मृतिका होता है, प्लस सिलिका और क्ले के साथ हमें उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट मिलाना होता है, मतलब वाटर कंटेंट मिलाना होता है सिलिका और क्ले को मिक्स करने के लिए। सिलिका के ग्रेन्स बड़े साइज के होते हैं जिसे हम बालू बोलते हैं, क्ले मतलब मृतिका होती है जो हमारी एक चिकनी मिट्टी टाइप की होती है। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्ले की बाइंडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, क्ले के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारे पास छोटे छोटे क्ले हैं और ये हमारे पास बड़े बड़े सिलिका हैं, जब इन दोनों को मिक्स करके पानी के साथ मिला देते हैं तो ये सिलिका के जो ये जो क्ले के सैंड हैं पार्टिकल्स, ये सिलिका के बीच में आकर ऐसे बैठ जाते हैं और दोनों के बीच एक बेटर एडहेसिव बॉन्ड बना लेते हैं। इसीलिए सिलिका और क्ले को मिक्स करने के लिए हम किसको मिलाते हैं, वाटर कंटेंट को मिलाते हैं, वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट के साथ अब अगर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, भाई मान लो ये तो आप नेचुरल आपने डाला पानी क्ले और सिलिका, अब इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत करनी है तो हम इसमें कुछ बॉन्डिंग पार्टिकल्स या बॉन्डिंग एजेंट मिला देते हैं, जैसे सिंथेटिक ऑयल हो गए, डेक्सट्रिन हो गए, तो इस तरीके से हम इसका उपयोग
कर लेते हैं उसे बोलते हैं बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग मटेरियल या बॉन्डिंग एजेंट। अगर हम सिंपल बेसिक सैंड की बात करें तो हमारा लगभग 70% सैंड का इस्तेमाल करते हैं, 20% क्ले का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम 8% 6-8% हम वाटर कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और लगभग 6% के आसपास, ये कम ज़्यादा भी होता अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी करते हैं तो बॉन्डिंग एजेंट मिलाते हैं। तो इस तरीके से एक बेसिक हमारी सैंड तैयार होती है जिसका उपयोग इस मोल्ड को बनाने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद इस सैंड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए इसे बनाएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारी ग्रेन स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्लोएबिलिटी क्या होती है, कोलेप्सिबिलिटी क्या होती है, ग्रेन फाइननेस नंबर क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, फ्लोएबिलिटी क्या होती है। तो इस तरीके से हम इसको, और हमारा जो पोरोसिटी के लिए होता है, तो इस तरीके से हम इस सैंड की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये तो बेसिक सैंड थी, लेकिन कुल कितने टाइप की सैंड हम इसमें यूज करते हैं उसके बारे में भी पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। बट केवल यहाँ पे ऐसे ही सिंपल सा ओवरव्यू ले लीजिए, टाइप्स ऑफ सैंड यूज इन मोल्ड, मोल्ड को बनाने में कुल कितने प्रकार की सैंड का उपयोग किया जाता है। तो पहली हमारी होती है, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, पहली हमारी होती है ग्रीन सैंड। अब ग्रीन का मतलब ये सैंड हरे कलर की नहीं होगी, इसमें मॉइस्चर कंटेंट मिलाएंगे लगभग 12-14% तक पानी की मात्रा को मिला देते हैं। तो ऐसी सैंड जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रखी जाए उसे ग्रीन सैंड बोलते हैं। फिर ग्रीन सैंड के बाद जब हम उसे मोल्डिंग बॉक्स में, यहाँ ग्रीन सैंड रखेंगे, मोल्टेन मेटल डालेंगे, तो इसके पास की जो ग्रीन सैंड है वो मोल्टेन मेटल के हीट से ड्राई हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे ड्राई सैंड। उसके बाद जब और ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा इस पास की सैंड को, तो वो सैंड हमारी हॉट हो जाएगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे हॉट सैंड। इसके बाद हम लोग, देखिए हॉट सैंड के बाद हम लोग यूज करेंगे लूम सैंड, जिसमें 50% क्ले प्लस 50% सिलिका होता है। ये सब के बारे में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा लेक्चर ही चलेगा इस पर, लेकिन अभी तो केवल ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी, लूम सैंड। लूम सैंड उसके बाद देखिए इस पैटर्न के पास एक पतली सी सैंड, मतलब सूखी और बारीक सैंड का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग फेसिंग सैंड के नाम से जानते हैं। फेसिंग सैंड वो हमारी होती है फेसिंग सैंड। सिंपल सी बात है, जैसे आप रोटी बनाते हैं तो जब गीला आटा होता है तो आप जिस मटेरियल पर, मतलब जैसे आपने, ये आपके पास हो गया चौका और ये आपके पास हो गया बेलन, तो इस तरीके से आप जब अपने रोटी को बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस पे आपने रोटी रखी तो अब ये आटे में क्या है, बेटर एडहेसिव प्रॉपर्टी है, आटा गीला है तो ये इस टूल के साथ चिपक जाएगा। तो इसके साथ इसको ना चिपकने के लिए बीच में हम महीन आटे को यूज करते हैं उस रोटी के ऊपर और उस रोटी के और इस टूल के बीच में,
तो जिससे क्या होगा, ये रोटी ना इसके साथ चिपकेगी और ना ही इसके साथ चिपकेगी। तो वो जो हमारा होगा इन दोनों के बीच के बॉन्डिंग को वीक करने के लिए, मतलब चिपकने ना चिपकने के लिए जो यूज किया जाता है। सिमिलर उसी तरह जब यहाँ मोल्टन मेटल डालेंगे, जब बाहर निकालेंगे उस मोल्टन मेटल के बाद वो हमारा मटेरियल बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट इस चारों तरफ की सैंड के साथ होगा। अगर यहाँ पे एक पतली सी सैंड हम यूज कर लेंगे सिमिलर इसी वाले कॉन्सेप्ट पे, तो उस पार्ट पार्ट को आसानी से रिमूव कर देंगे, इसमें और भी कोई सैंड नहीं चिपकेगी। तो उसे हम लोग बोलते हैं फेसिंग सैंड। नेक्स्ट हमारा होता है पार्टिंग सैंड। अच्छा, पार्टिंग सैंड हमारा क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। देखिए ऐसे, देखिए सपोज करिए कि ये हम मोल्डिंग बॉक्स बनाए थे। अब इसको जब हम दो भाग में अलग किए थे ना, तो जब इसको एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे अलग करेंगे तो ये जो बीच में आपको दिखाई देगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर एक सैंड का लेयर लगा देंगे ताकि ऊपर वाला जो कोप है और नीचे वाला जो ड्रैग है ये दोनों आपस में, इनकी सैंड आपस में ना चिपके। मतलब आप ऐसे देखिए, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इसके बीच में एक सैंड का हम यूज कर देते हैं ताकि ये कोप आसानी से ऊपर निकल जाए और ड्रैग आसानी से नीचे निकल जाए। तो कोप और ड्रैग को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में जिस सैंड का उपयोग करते हैं उसे पार्टिंग सैंड बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बैकिंग सैंड। बैकिंग सैंड देखिए, यहाँ पर हमारी फेसिंग सैंड हो गई, फिर ग्रीन सैंड हो गई। ग्रीन सैंड के बाद हम इस पे लूम सैंड भर देते हैं और ये मोल्डिंग बॉक्स के पास की जितनी भी सैंड भरी जाती है इसे हम लोग बोलते हैं बैकिंग सैंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, आपको बताए थे कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर खोखली आकृति क्रिएट करनी हो, हॉलो आकृति बनानी हो, तो उसमें हम लोग कोर का उपयोग करते हैं। और वो कोर हम लोग किसका बनाते हैं, सैंड का बनाते हैं। तो जिस सैंड का उपयोग हम लोग कोर को बनाने के लिए करते हैं उसे हम लोग कोर सैंड, जिस सैंड का उपयोग हम लोग कोर बनाने के लिए करते हैं उसे हम लोग कोर सैंड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड होगी जिसका उपयोग हम लोग अपने वर्कपीस को, मतलब अपने मोल्डिंग बॉक्स को बनाने के लिए करते हैं। अब उसके बाद कुछ स्पेशल सैंड भी होती हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कोर सैंड को हम लोग ऑयल सैंड के नाम से भी जानते हैं और कॉल्ड ऑयल सैंड, है ना। कोर सैंड को हम लोग ऑयल सैंड के नाम से भी जानते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट एक सैंड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है सिस्टम सैंड। नेक्स्ट सैंड हमारी होती है सिस्टम सैंड। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए इसमें एक ऐसी सैंड का उपयोग करते हैं जिसे बोलते हैं सिस्टम सैंड। तो इस तरीके से दीज आर द सैंड यूज्ड इन मोल्डिंग
या क्रिएट मोल्ड कैविटी। तो ये हमारी सैंड होती हैं। अब इन सैंड, सारी सैंड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सभी सैंड के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि ग्रीन सैंड का एक्चुअल कंपोजिशन क्या होता है, इस मोल्डिंग बॉक्स में कहाँ पर ग्रीन सैंड है वो हमें दिखाई देनी चाहिए, फिर ड्राई सैंड कहाँ, हॉट सैंड कहाँ, लूम सैंड कहाँ, सारी सैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अब हम लोग डिस्कस करते हैं सैंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सैंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। इसे बना रहन दे, इसी का समझाने का भी पूरा काम है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। सैंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे हम सैंड को अच्छे से यूज कर सकें फॉर मेकिंग ए, मतलब रिक्वायर्ड, ये हम क्या बनाएंगे, मोल्ड, फॉर मेकिंग ए रिक्वायर्ड मोल्ड, फॉर मेकिंग ए रिक्वायर्ड शेप एंड साइज ऑफ मोल्ड विच इज कैपेबल फॉर सुटेबल कास्टिंग ऑपरेशन Which is capable, suitable for casting process the following properties are in sand the following properties are achieved in sand। ये हमारा होगा। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अचीव्ड होगी, तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है, ड्राई स्ट्रेंथ क्या होती है, रिफ्रैक्टिवनेस क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, तो इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सैंड की प्रॉपर्टीज़ में हमारा कौन सा कहाँ पे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सैंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ सैंड क्या होती है, सैंड की ग्रीन स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राई सैंड, देन इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिटेलिंग करते हैं सैंड के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं सैंड के प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी मतलब पारगम्यता। तो अगर देखिए यहाँ मोल्टेन मेटल हमने डाला, अब मोल्टेन मेटल डालने के बाद वो हॉट कंडीशन में है, उसके पास की जितनी भी सैंड उसके संपर्क में आएगी वो हीट होगी, और हीट होकर जो सैंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म में बदल जाएंगे। अब अगर सैंड एकदम से बिल्कुल ठोस हो जाए, मतलब वो एयर को पास करने की जगह ना दे, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस हुई गैसेस यहीं पर घूमने लगेंगी और ये मोल्ड कैविटी की ओर आएंगी तथा इस मोल्ड के साथ मिक्स हो जाएंगी। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वर्कपीस में जो एयर बबल्स बने थे वो अपनी जगह एक कैविटी क्रिएट कर देंगे, तो इस तरीके से एक वीकर एलिमेंट हमारा प्रोड्यूस होगा। इस एलिमेंट को, मतलब इस कमी को रिड्यूस करने के लिए हम चाहेंगे कि सैंड में जो एयर की फ्लो कैपेबिलिटी है, द एबिलिटी फ्लो द एयर इन सैंड इज मैक्सिमम, ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आसानी से जो यहाँ पे एयर गैसेस बने वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाएं। तो सैंड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ये क्या होता है, the ability of passes the gas in sand, the ability of the ability of passes gas in sand is called permeability। तो जो हमारी permeability होगी वो हमारी क्या होगी, गैस को पास करने की कैपेसिटी को हम permeability कहते हैं। It is represented by Pn, ऐसे देखिए, It is represented by Pn, Pn का मतलब permeability number, ये होता है permeability number। इस तरीके से हम permeability number से इसे represent करते हैं, और ये जो permeability number होता है Pn इज इक्वल टू, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी एच अपॉन पी ए टी, इस तरीके से ये हमारा होता है, या इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3000 upon 3000 7 upon t। तो इस तरीके से हमारी परमेबिलिटी नंबर वी एच इज इक्वल टू, सॉरी पी एन इज इक्वल टू वी एच अपॉन पी ए टी। अब ये बताएंगे आपको कि ये वी क्या है, एच क्या है, पी क्या है, ए क्या है और टी क्या है, और ये 3007 upon t क्या है। तो हम लोग इसी पे डिस्कस करने चल रहे हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और यहीं पे इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, सपोज करिए कि ये हमारी सैंड इसमें फिल की जाए, अगर सैंड सूखी सैंड, ड्राई सैंड इसमें हम फिल कर दें, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जीरो कर दें, तो उस समय क्या होगा, वो सैंड के सारे पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आकर बैठ जाएंगे,
दो पार्टिकल्स के बीच में कोई जगह नहीं होगी जिससे कि एयर हमारी पास कर सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बिल्कुल ड्राई सैंड को यूज नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि दो पार्टिकल्स के बीच में, जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो यहाँ से ये एयर पासेस बने रहें ताकि एयर हमारी पास कर सके। इसी कैपेबिलिटी ऑफ एयर पास को हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं। तो अब अगर ड्राई सैंड होगी तो ये बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे, कोई जगह नहीं मिलेगी एयर को पास करने के लिए। लेकिन अगर इसमें वाटर कंटेंट मिलाने लगे, मान लीजिए 1%, 2%, 3%, इस तरीके से जब वाटर कंटेंट मिलाएंगे तो सैंड थोड़ी सी गीली होगी, थोड़ी सी गीली होगी तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनेगा, मतलब थोड़ी सी सैंड का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब उसे मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब दोनों, मतलब सैंड के मॉलिक्यूल के बीच में एयर स्पेस बढ़ गया, जिससे परमिबिलिटी बढ़ गई। अब उसके बाद जब परमिबिलिटी बढ़ गई तो क्या लगातार हम पानी की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो क्या परमिबिलिटी बढ़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लिमिटिंग केस के बाद जब सैंड ज़्यादा गीली होने लगेगी तो फिर से देखिए, बहुत ज़्यादा गीली सैंड एकदम आसानी से नीचे बैठ जाती है। जैसे आप पानी के नीचे की सैंड को देखिए, जब आप ऐसे उठाइए तो आपके हाथ में जो सैंड आएगी बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपर तरीके से बैठी होगी, तो वहाँ पर लगभग नेग्लिजिबल परमिबिलिटी होगा। तो मतलब कितना परसेंट वाटर मिलाएं कि हमारी सैंड में बेटर परमिबिलिटी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए, जो परसेंटेज ऑफ वाटर और परमिबिलिटी नंबर होता है वो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हम लोग परमिबिलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे और इधर हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर होगा। सपोज करिए यहाँ पर हमारा जीरो था, वन, मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से बढ़ता जाए तो मैक्सिमम 8% वाटर पर, 8% जब हम लोग वाटर यूज करेंगे तो सबसे ज़्यादा परमिबिलिटी हमारी मिलेगी। लेकिन 8% से कम पर भी परमिबिलिटी घटेगी और 8% से ज़्यादा पर भी परमिबिलिटी घटेगी। तो यहाँ ये जीरो से ऐसे ही स्टार्ट होगा और ये इस तरीके का हमारा परमिबिलिटी कर्व बनेगा। तो ये हमारा होता है परमिबिलिटी इन सैंड। अब इसमें हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था, VH/PAT, देख लेते हैं ये क्या था। वेयर PN इज इक्वल टू परमिबिलिटी नंबर, ये PN हमारा होगा परमिबिलिटी नंबर, उसके बाद जो V होगा, V, अच्छा सपोज करिए कि एक हम ऐसा स्पेसीमैन बना दें, देखिए एक ऐसा स्पेसीमैन बना दें और यहाँ पर ये हम मोल्टेन मेटल रखें, मतलब मोल्ड कैविटी रखें और इसमें हम लोग सैंड को भर देंगे। तो इस स्पेसीमैन से मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो मोल्टेन मेटल की वजह से ये जो हमारी एयर निकलेगी ऐसे बाहर जाएगी, तो ये जितनी एयर हमारी बाहर जाएगी उसका वॉल्यूम हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ एयर पासेस थ्रू द स्पेसीमैन। मतलब इस स्पेसीमैन में जितना वॉल्यूम हमारा बना हुआ था गैस का वही पास करेगा। तो हम कह सकते हैं V इज द वॉल्यूम ऑफ एयर पासेस थ्रू द स्पेसीमैन, है ना। अब बात करेंगे H की, जब हम बात करेंगे तो H इज इक्वल टू, अच्छा इस स्पेसीमैन की कुछ हाइट होगी, तो हाइट ऑफ स्पेसीमैन जहाँ से एयर हमारी पास करेगी
तो हम कहेंगे हाइट ऑफ स्पेसिमैन इन विच एयर पास्ट इन विच एयर आर पास्ट। जैसे सपोज करिए यहाँ पर एयर हमारा ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ से एयर ऐसे नीचे जाएगी, इधर भी जाएगी, ये नीचे जाने के चांसेस कम होंगे क्योंकि एयर हल्की होगी, वो यहीं से हमारी एयर कट के इस तरीके से आगे जाने लगेगी। तो जहाँ से एयर हमारी मैक्सिमम फ्लो करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को, जहाँ से एयर हमारी फ्लो करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को हम लोग बोलेंगे, यही हमारा स्पेसिमेन हाइट ऑफ एयर कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ स्पेसिमेन। अब ये हमारा हाइट ऑफ स्पेसिमेन जो होगा वो प्रेशर डिफरेंस के कारण आगे बढ़ता है। हाइट ऑफ स्पेसिमेन, यहाँ पे एयर तभी बढ़ेगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रेशर की। पी इज इक्वल टू हमारा होगा प्रेशर ऑफ एयर, जो प्रेशर ऑफ गैस, ये जो गैस हमारी बनेगी उसका प्रेशर हमारा होगा। तो पी इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारा होगा ए का मतलब, जैसे ये स्पेसिमैन था, जब इसे हम लोग ऐसे 3D में देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई और ये लंबाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इतने एरिए से हमारी गैस ऐसे बाहर जाएगी, तो इस तरीके से हम कहेंगे ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्पेसिमैन। तो ए इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्पेसिमैन। इस तरीके से हो गया। अब टी बराबर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ गैसेस, जो गैस का हमारा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ स्पेसिमैन या टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस और स्पेसिमैन, तो इस तरीके से ये हमारा होगा। इस स्पेसिमैन के बारे में जब परमेबिलिटी नंबर निकालेंगे तो वो फार्मूला VH/PAT होगा, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 3000/टेम्परेचर। यहाँ से जो हमें दिखाई दे रहा है, देखिए परमेबिलिटी नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे देखिएगा परमेबिलिटी नंबर इज PN इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट इसी पे कि परमेबिलिटी नंबर इज रिलेटेड विथ, चार ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए कहेगा PN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑप्शन बी कहेगा PN इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑप्शन सी कहेगा बोथ, और ऑप्शन डी कहेगा नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमेबिलिटी घटेगी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ के मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाएंगे, और जब मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाएंगे तो वो सैंड अपने स्पेस को कम करके प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी। तो इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। ये हमारा था अबाउट परमेबिलिटी नंबर, तो इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को। अच्छा एक देखें, अगर हम स्टैंडर्ड स्पेसिमैन ले लें,
मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें आपसे ये कह दे कि दिए गए क्वेश्चन में अगर हम एक स्टैंडर्ड स्पेसिमैन की बात करें तो उसकी हाइट कितनी होती है, तो वो डेटा याद रखिएगा फॉर स्टैंडर्ड स्पेसिमैन, यहीं पे लिख दे रहे हैं फॉर स्टैंडर्ड स्पेसिमैन, स्टैंडर्ड स्पेसिमैन द हाइट ऑफ स्पेसिमैन एच इज द हाइट ऑफ स्पेसिमैन एच इज इक्वल टू, ये होता है लगभग 2 इंच के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं 5 पॉइंट स्पेसिमैन एच इज इक्वल टू 5.08 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा हाइट ऑफ स्पेसिमैन 5.08 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अच्छा, इस स्पेसिमैन के बाद अगर इसके यूनिट की बात करें तो हमारी यूनिट क्या होगी, देखिए जो टाइम हम डिनोट करते हैं ये टाइम हमारा मिनट में होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जो हमारा होगा टेम्परेचर ऑफ गैसेस पास, तो जो टेम्परेचर पास होगा वो पास इन टाइम, कितने टाइम में पास होगा, तो जिस टाइम में पास होगा उसे हम मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इस स्पेसिमैन के ये जो फार्मूला आया था इसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे एक यूनिट कभी पूछ ले तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ परमेबिलिटी नंबर, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी नंबर, तो अब इसके यूनिट की बात जब करेगा तो यहां से देखिए पी एन इज इक्वल टू वी एच अपॉन पी ए टी था हमारा, पी एन इज इक्वल टू वी एच अपॉन पी ए टी था। अब जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं, इस स्पेसिमैन की जो हाइट होगी सेंटीमीटर, विड्थ होगी सेंटीमीटर, डेप्थ होगी सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से पी एन इज इक्वल टू वॉल्यूम सेंटीमीटर में लेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है, इनटू इस स्पेसिमैन की हाइट भी हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा इनटू सेंटीमीटर अपॉन, जब इसके हम प्रेशर की बात करेंगे ये जो प्रेशर हम लगाएंगे ये प्रेशर हमारा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि हर चीज़ हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हमारा कितना केजी लगेगा वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगेगा उसकी बात होगी। उसके बाद जब हम एरिया की बात करेंगे तो जब हमने स्पेसिमैन को सेंटीमीटर में कंसीडर किया है तो एरिया भी हमारा सेंटीमीटर में होगा, लेकिन एरिया स्क्वायर में होगा, और जो टाइम हमारा होगा टी तो ये हमारा हो जाएगा सीधे मिनट में। तो इस तरीके से जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो परमेबिलिटी नंबर की यूनिट जो आएगी, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो यूनिट आएगी सेंटीमीटर पावर फोर अपॉन केजी मिनट। तो इस तरीके से इस परमेबिलिटी की यूनिट भी ध्यान रखिएगा। चलिए
ये तो हमारा टॉपिक डिस्कस हो गया अबाउट परमेबिलिटी और मैक्सिमम 8% वाटर मिलाने पर। यहाँ देखिएगा, ये मैक्सिमम परमेबिलिटी होगी और 0% पे 0 होगी। देन इसके आगे जब हम ज़्यादा परसेंट मिला देंगे, 14% 20%, तो वो परमेबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं अपने टॉपिक परमेबिलिटी को। अब परमेबिलिटी के बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्लास्ट कोलैप्सिबिलिटी या फ्लो एबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कोलैप्सिबिलिटी और फ्लो एबिलिटी। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया अपने सैंड की एक प्रॉपर्टी परमेबिलिटी के बारे में, मतलब पारगम्यता के बारे में, कि हमारी जो एयर जनरेट होगी वो कितना परसेंट कैसे इसके बाहर जाएगी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो इस पर फार्मूला पूछ सकता है, या ये फार्मूला पूछ सकता है, या इसके बारे में कितने परसेंट वाटर मिलाने पर परमेबिलिटी कितना होगी ये पूछ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस मोल्डिंग सैंड की अनदर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे फ्लोएबिलिटी क्या होता है, कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होती है, तो हम उसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।